लिविंग विद द रिमेम्बरेंस ऑफ दैट इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस या लिविंग विद द कनेक्शन टू द सोर्स, वही इनलाइटनमेंट। और फिर इनलाइटनमेंट के सबके अपने ढंग होंगे। जैसे कि इनलाइटनमेंट को ये नहीं कह सकते कि उसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया है। इतना क्राइटेरिया उसका है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है और व्यक्ति उस इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस में, यानी कि उस विराट चेतना में चला गया है जो अनाम है, नेमलेस है। उसको सरल शब्दों में अगर कहें, पर्सनल कॉन्शियसनेस को अनाम, जहाँ पर उस चेतना का कोई नाम नहीं। तो अगर व्यक्ति उससे कनेक्ट होकर लगातार जी पा रहा है तो वो इनलाइटेंड है, अपनी तरह से वो इनलाइटेंड अपने को कह सकता है। एग्जिस्टेंस हमेशा अलाइव है, प्रोटेक्ट करती। मेमोरी से फ्री होने की बात मैं कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल मेमोरी से फ्री होने की बात कह रहा हूँ। जो फिजिकल मेमोरी है, एक्चुअल मेमोरी है, वो वर्केबल है, यूटिलिटी है। जैसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में मेमोरी, बस उतनी ही मेमोरी की बात मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कोई अभी जाए पत्थर पे अपना सिर दे मारे मेमोरी से फ्री होने के लिए। सबसे आसान तरीका तो वही है मेमोरी से फ्री होने का, दो चार एंगल से सिर दे मारा तो मेमोरी जा सकती है। जैसा अक्सर सुनते हैं, चली गई, नाम वाम सब गायब। कहें आप नाम से फ्री होने की बात करें, लोग पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो याद ही नहीं आ रहा। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक घटना पढ़ी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। कानपुर के पास कोई गांव था, तो 40 साल बाद एक महिला अपने घर वापस लौटी, 40 साल बाद, यानी कि वो 70 प्लस हो चुकी थी, ओल्ड हो चुकी थी, अपने 30s में जब रही होगी, तो उसको सांप ने काट लिया। लोगों ने उसको मरा हुआ समझ के नदी में बहा दिया। वो शायद मरी नहीं होगी, लेकिन जहर का असर हो चुका होगा। तो नदी में कहीं आगे जाकर, मतलब कानपुर से ही कुछ जो भी गंगा गई होगी वहाँ पे, कानपुर का जो गांव का हिस्से वर्णन था, तो किसी गांव के पास में लोगों ने उसको निकाला। तब तक वो थोड़ा थोड़ा होश में शायद आ गई थी, लेकिन जहर का असर इतना हो गया था कि वो अपना सब नाम पता, अपनी आइडेंटिटी सब भूल गई। तो लोग पूछते रहे उससे, वो कुछ बता नहीं पाई। फिर वो होश में तो आ गई, लेकिन ब्रेन के उस पार्ट पे पॉइजन ने असर कर दिया होगा जो उसकी अभी की वर्केबल मेमोरी थी, वो लॉस हो गई। वो उस गांव में रहने लगी नई आइडेंटिटी के साथ, नए ढंग से सब अपना रहती गई। एक दिन वो 40 साल के बाद अपने घर आ रही थी कहीं से, और अचानक कुछ हुआ और उसको याद आ गया सब, कि कैसे सांप ने काटा था, वहाँ तक उसको याद आया, और फिर कैसे वो बेहोश हो रही थी उसके पहले। फिर तो बिल्कुल ही क्लियर आ गया कि मैं इस घर में रह रही थी, मेरा ये नाम था, ये बच्चे थे, ये सब बताया उसने। तो लोग लेके आए उसको घर में, लोगों ने भी उसको पहचाना, सब लोगों ने पहचाना। तो मैं ऐसी मेमोरी लॉस की बात नहीं कह रहा हूँ कि जो इस तरह से चली जाए कि सांप कटाने से, पत्थर पे सिर मारने से मेमोरी जाए, तो फिर वापस आएगी तो फिर वही की वही रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होगा कि हम अपने आप को बस एक कंप्यूटर की तरह समझेंगे। तो जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में मेमोरी है, वैसे ही हमारी जो डिस्क है, शटल डिस्क है, उसमें मेमोरी है। उसे डिटैच होना। कंप्यूटर की मेमोरी में हम उसका यूज करते हैं, लेकिन उसे अटैच नहीं होते, ना उससे हम प्राइड फील करते हैं, ना इन्फीरियर फील करते हैं। बस हमको ये पता चलता है कि ये यूज़फुल मेमोरी है, बस इतना है। क्या कोई अपने कंप्यूटर को लेके भी बड़ा प्राइड फील कर सकता है कि अरे मेरे कंप्यूटर में तो 2 TB की हार्ड डिस्क है, और कितनी मेमोरी, कितना डेटा मैंने डाल रखा है, और इनका तो अभी 500 GB का है, डेटा भी ज़्यादा नहीं पड़ा है, तो वो 500 वाला क्या थोड़ा इन्फीरियर फील करेगा? नहीं, वो इन्फीरियर नहीं फील करेगा। पता है इतना, इसको इतने की ज़रूरत थी इसलिए इसने इतना डेटा डाला है। और फिर उसके बाद जब तुम कंप्यूटर में इंटरनेट भी कनेक्ट कर लिया, तुम सारे उसके जो सूचना का पूरा तंत्र है उससे भी जुड़ गए,
तो सारी सूचनाएं तुम कहीं से भी ले सकते हो, तो उससे भी कोई ज़्यादा प्राइड फील करता है कि उसको बड़ा गर्व अनुभव होता है कि देखो हम एक क्लिक करते हैं खट से आंसर आ जाता है हमारे पास। आज हमारी टेक्नोलॉजी ने हमको ईगोलेस होने के बहुत सारे मौके दिए हैं। पहले घर में कोई बच्चा खड़ा हो उससे पूछा जाता था, बेटा बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, वहाँ की क्या है, यहाँ क्या है, और बच्चे ने बताया, लोग पेरेंट बड़ा गर्व फील करते थे, क्या टैलेंट है बच्चे की, मेमोरी देखो इसकी। आज हम जानते हैं उस मेमोरी की कोई बड़ी उपयोगिता नहीं है, वो मेमोरी बस वन क्लिक अवे है। तो कई बार तो ये है जितनी देर में वो सोचता है और जिनके हाथ तेज चलता है वो उतनी देर में सारा डेटा निकाल लेते हैं। तो काइंड ऑफ ईगोलेसनेस व्यक्ति के अंदर है कि इस मेमोरी से बड़ा गर्व अनुभव करने की ज़रूरत नहीं है, वो हार्ड डिस्क की मेमोरी है। इसी तरह से स्पिरिचुअल नॉलेज किसको कहते हैं? कोई बड़े बड़े प्रवचन देता है, बड़ी इन्फॉर्मेशन, वो तो अपने कंप्यूटर में लगा दो और बजा दो उसको, अगले 4-6 महीने के लिए वो बजता रहेगा सारा इन्फॉर्मेशन, तो उस इन्फॉर्मेशन से भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस इन्फॉर्मेशन के आने के बाद भी मुझे लगता है थोड़ा लोग ईगोलेस होने चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था, स्पिरिचुअल सिनेरियो में भी कोई प्रवचन देता था तो कोई नई बात बोलता था तो उसका बड़ा करिश्मा होता था कि इसने इतना पढ़ा है, इसने इतनी लाख किताबें पढ़ी हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतना सब है। उससे क्या होता था, लोग जो नहीं पढ़े होते थे वो उससे चमत्कृत होते थे। आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहाँ कोई पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, सबकी जो डिस्टेंस है बस वन क्लिक अवे है, सबका फासला उतना ही है। तो जब हम अपने को ऐसा कंप्यूटर मान लेंगे तो अपनी मेमोरी से डिटैच हो जाएंगे कि सारी वो जो फीडिंग है वो पुराने लोगों ने कर रखी है, तुम्हारे पेरेंट्स ने एक किस्म की फीडिंग कर दी थी, नाम की, कल्चर की, इस तरह की आदतों की, बहुत सारी चीज़ों की, तुम्हारे कल्चर ने, तुम्हारे एजुकेशन ने, सब ने अपनी फीडिंग कर दी थी, लेकिन उससे तुम अटैच नहीं हो क्योंकि तुमको पता है कि वो ऐसा हुआ था, और उनको तुम अनइंस्टॉल भी कर सकते हो जब चाहो तो थोड़ा सा कॉन्शियस होके। अब जैसे मेरा कंप्यूटर तुम्हारे पास चला गया, तुमने उसमें अपने सब ऐप इंस्टॉल कर दिए, जब मेरे पास आया तो मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं उन ऐप को चलाऊं, मैंने देखा मेरे काम के नहीं, मैंने हटा दिए, मैंने उसको फॉर्मेट कर दिया, अपना कर लिया। तो टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में अगर देखा जाए हम लोग बहुत फ्रीडम में हैं इस समय, और अल्टीमेटली ये एक रियलिटी है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो 3-डाइमेंशनल कंप्यूटर ही है, उसके अंदर सब डेटा ही फीड है, लेकिन कंप्यूटर के अलावा इसमें कॉन्शियसनेस भी है। तो सारा दारोमदार मसला कॉन्शियसनेस का है। स्पिरिचुअल सिनेरियो में जैसे अब इन्फॉर्मेशन की बात थी तो इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है, कॉन्शियसनेस, प्रेजेंस, अब केवल प्रेजेंस मायने रखती है। बहुत ही कोई स्टूपिड होगा तो किसी की इन्फॉर्मेशन की वजह से प्रभावित होगा, कोई प्रभावित, जो इंटेलिजेंट जनरेशन आ रही है वो प्रभावित नहीं होती अब किसी की इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में एक्सेस तो वो भी कर सकती है जब चाहे तब। प्रभाव आएगा प्रेजेंस का। तो स्पिरिचुअलिटी अब केवल ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रेजेंस है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन है उस नेमलेस, उस नॉन लोकल, नॉन फिजिकल, उसमें एंट्री है व्यक्ति की, तो वो उसकी बीइंग से रिफ्लेक्ट होगी, जो उसकी बीइंग से रिफ्लेक्ट होगी वो लोगों तक पहुंचेगी, उसका अपना अलग करिश्मा है। तो ऑब्वियसली मेमोरी से डिटैच होने की ज़रूरत है, हर चीज़ से डिटैच होने की ज़रूरत है, और अपने एक्सपीरियंसेस से भी डिटैच होने की ज़रूरत है। इसलिए जब स्पिरिचुअल सिनेरियो में मैं ध्यान, शिविर या ध्यान की बात करता हूँ तो मैं लोग एक्सपीरियंस सुनाने की मुझे कोशिश करते हैं, सुनता भी हूँ मैं, उनकी बात भी कर लेता हूँ, लेकिन बेसिकली मैं एक्सपीरियंसेस में नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, ये एक्सपीरियंसर पर लौटना है, वो सोर्स जहाँ से सारे एक्सपीरियंस घटते हैं और एक्सपीरियंस किए जाते हैं, दैट वेरी सोर्स, वो स्रोत, वहाँ पे जाना। तो एक्सपीरियंसेस भी देखा जाए इंडिविजुअल ना होकर कलेक्टिव हैं, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है वही ह्यूमैनिटी का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए उसमें भी बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंसेस से भी डिटैच हो जाएंगे।
तो वो भी प्राइड बिल्कुल व्यक्ति का इस समय करीब करीब छिना हुआ है, उससे आदमी बस अपने को साइकोलॉजिकली जोड़ रखा है कि तुमको क्या एक्सपीरियंस हुए नहीं हुए इससे कोई मतलब नहीं है, वो सारी ह्यूमैनिटी के हैं, तुम्हारे ऊपर मतलब केवल इस बात का है कि तुम उस सोर्स से कनेक्ट, उस इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो पाए हो या नहीं हो पाए हो, बाकी सब मिथ्या है। Thank you.